नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हीरक जयंती वार्षिक अधिवेशन उत्तर रेलवे स्टेडियम चारबाग लखनऊ में आयोजित किया गया। अधिवेशन के आरंभिक सत्र का उद्घाटन यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अवसर पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ डॉक्टर मनीष थलप्यान, यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड एस के त्यागी, कोषाध्यक्ष प्रवीणा सिंह, सहायक महामंत्री व लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री कॉमरेड आर के पांडे, मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्रा, लेखा मंडल के मंडल मंत्री कॉमरेड उपेंद्र सिंह, मंडल मंत्री कारखाना कॉमरेड अनूप वाजपेयी समेत यूनियन के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। देखिए आज बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम लोग हीरक जयंती है और हम लोग लखनऊ के रेलवे स्टेडियम में इसको मना रहे हैं। ये आंदोलन काफ़ी पुराना है क्योंकि वाजपेयी जी चौबे जी ने इसकी आधारशिला रखी और अभी हमारे तमाम साथी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से पुरानी पेंशन बहाली की सबसे बड़ी स्थिति है। हमारे साथी इसके बारे में कुछ ठोस निर्णय लेंगे और आने वाले समय में जो हड़ताल के लिए गुप्त मतदान हो रहा है उसकी तैयारी करते हुए सरकार अगर इसको पुरानी पेंशन बहाल कर देगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं बहाल करेगी तो निश्चित तौर पर जनवरी में हड़ताल का निर्णय लेंगे और भारत बंद करने का काम करेंगे। के लिए खुशी की बात है कि ये हीरक जयंती समारोह जो है लखनऊ में मना रहे हैं और वो भी मेरे लेखा मंडल के साथियों द्वारा मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं महामंत्री जी को विश्वास था कि लेखा मंडल के साथी जो है इसके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करते आए हैं तो आगे भी करेंगे। और जहां तक यहां महामंत्री जी की एक सोच थी कि लखनऊ में इसको करने का, तो एक संकल्प महामंत्री जी ने लिया है न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का और उसी को विस्तार से चर्चा करने के लिए अधिवेशन को लखनऊ में बुलाया गया है और लेखा के साथियों को विशेष खुशी है ये समारोह करने का मौका मिला। कितने लोगों की संख्या आज डेलीगेट सेशन है, आज 3000 लगभग साथी आएंगे, कल ओपन सेशन है जिसमें करीब 5000 साथियों को जो यहाँ पर बुलाने का जो है काम किया गया है और इसमें जनरल मैनेजर महोदय और तमाम मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के आने का कल। चैनल देशभर न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।